हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उपेंद्र प्रताप सिंह। हम अपने एनवायरनमेंट ऑइंटमेंट फॉर यूपीएससी सीरीज़ के पार्ट 8 पर आ गए हैं। आज हम पार्ट 8 में जो पढ़ेंगे वो है एनिमल्स एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के बारे में। हम जानकारी लेंगे कि एनिमल्स के बारे में कुछ कुछ इस एक साल में क्या चर्चा चली है, स्पीसीज़ के बारे में क्या चर्चा चली है, कौन से एनिमल्स के कौन एंडेंजर्ड लिस्ट में आया है, किस लिस्ट में किसका नाम आया है, ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे। कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में पढ़ेंगे जो न्यूज़ में रही हैं, जो चर्चा में रही हैं। इसके अंदर जो टॉपिक हैं वो मैं ये वाले सारे टॉपिक मैं कवर करूँगा। अप्रोक्स 17 टॉपिक्स हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये जो टॉपिक इसके अंदर हम पढ़ेंगे वो कौन कौन से हैं देख लीजिए आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जैसे कि चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट है, भितरकनिका सेंसस ऑन सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स है, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स के बारे में पढ़ेंगे हम। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में पढ़ेंगे, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, बट इसमें मैंने ये लिस्ट थी पूरी स्पीसीज के बारे में, तो इसमें मैंने इसको रखा है, हटाया नहीं है इसमें से मैंने। प्रोजेक्ट डॉल्फिन के बारे में हम पढ़ेंगे, सुमात्रन राइनोस के बारे में पढ़ेंगे, गुरु घसीटा दास नेशनल पार्क के बारे में पढ़ेंगे, बंदीपुर नेशनल पार्क, वयानंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पाके टाइगर रिजर्व्स, एम्परर पेंगुइन्स, स्नो लेपर्ड, पेंगोलिन, ऑलिव रिडल टर्टल्स, पश्मीना प्रोडक्ट्स रिसीव्स BIS सर्टिफिकेशन पश्मीना प्रोडक्ट्स के बारे में, पश्मीना वूल के बारे में हम जानकारी लेंगे, तमिल योमान इसके बारे में हम जानकारी लेंगे, 16 है हंगुल, हंगुल के बारे में हम जानकारी लेंगे, 17 है कपा कपा फाइकस एल्वेरेजी इसके बारे में, एल्गे है ये, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो 17 टॉपिक है अप्रोक्स और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में हम जाएंगे। ठीक है, देखिए जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा है, फर्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट। देखिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि चीता को रीइंट्रोड्यूस करा जा रहा है भारत में, इंडिया में चीता को फिर से लेके आ रहे हैं। पहले इंडिया में क्या था, ये खत्म हो गए थे, टाइगर चीता जो थे वो खत्म हो गए थे, इसलिए अब क्या कर रहे हैं कि अब जाके इन्हें फिर से रीइंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं भारत में। द सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली अलाउड द सेंटर टू इंट्रोड्यूस द अफ्रीकन चीता। सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा है, अलाउ कर दिया है सेंटर को कि वो इंट्रोड्यूस कर सकता है अफ्रीकन चीता को कहाँ पे, इंडियन हैबिटेट में, इंडिया में कर सकता है इंट्रोड्यूस। ठीक है, विद इंडियाज ओन चीताज वैनिशिंग अ प्ली फॉर दिस हैड बीन फाइल्ड बाय नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ये जो रिक्वेस्ट भेजी गई थी सुप्रीम कोर्ट तक, वो किसने भेजी थी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने भेजी थी, NTCA ने भेजी थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट अथॉरिटी है। इसने ये रिक्वेस्ट भेजी थी कि ऐसे ऐसे चीता को इंट्रोड्यूस करा जाए भारत में। ओके, सीकिंग परमिशन टू इंट्रोड्यूस द अफ्रीकन चीता फ्रॉम नमीबिया। तो चीता जो इंट्रोड्यूस हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, पहली बात तो अफ्रीकन चीता है, किस जगह से आया है, नमीबिया, अफ्रीका की कंट्री, अफ्रीका की जो कंट्रीज हैं नमीबिया, वहाँ से आया है ये। वॉट इज री इंट्रोडक्शन एंड वाई री इंट्रोडक्शन चीता नाउ। अब देखिए री इंट्रोडक्शन का मीनिंग क्या है और चीता को क्यों री इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करी जा रही है, तो थोड़ा समझ लेते हैं। रीइंट्रोडक्शन ऑफ अ स्पीसीज मीन्स रिलीजिंग इट इन एन एरिया वेयर इट इज केपेबल ऑफ सर्वाइविंग। देखो रीइंट्रोड्यूस करने का कारण यही है, पहली बात तो रीइंट्रोडक्शन का मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि स्पीसीज को ऐसे वातावरण में रिलीज करना, ऐसे ऐसे एटमोसफेयर में रिलीज करना जहाँ पे वो जी सके, जहाँ पे वो रह सके। जैसे कि चीता जो है उन्हें कैसा एरिया चाहिए होता है, थोड़ा सेमी एरिड टाइप का एरिया चाहिए होता है, सूखा एरिया चाहिए होता है, सूखी घास वाला एरिया चाहिए होता है, तो ऐसी जगहों पर रीइंट्रोड्यूस हम कर सकते हैं उन्हें। तो इसका मतलब समझ रहे हैं आप, जहाँ पर वो केपेबल हो सर्वाइव करने के लिए वहाँ पर उन्हें इंट्रोड्यूस करा जाए, तो इसका मतलब हो गया उसको हम रीइंट्रोड्यूस कर रहे हैं, फिर से लेके आ रहे हैं। रीइंट्रोडक्शन ऑफ लार्ज कार्निवोर्स रिकोगनाइज एज ए स्ट्रेटेजी टू कंजर्व थ्रेटेंड स्पीसीज एंड रिस्टोर इकोसिस्टम फंक्शन। देखिए रीइंट्रोडक्शन का फायदा ये हुआ कि इतना बड़ा लार्ज कार्निवोर है, लार्ज कार्निवोर, कार्निवोर मतलब कि पूरा मांस मांसाहारी है, मांस भक्षी है, तो इसको इंट्रोड्यूस करने से क्या होगा, पूरे लाइफ साइकिल में जो पूरी लाइफ फूड चेन होती है उसमें अंतर आएगा, थोड़ा बहुत रिस्टोर होगा इकोसिस्टम, उसकी फंक्शनिंग ढंग से चलेगी। और क्या है, स्ट्रेटजी टू कंजर्व थ्रेटेंड स्पीसीज, और जो थ्रेटेंड स्पीसीज है उन्हें भी कंजर्व करा जा सकता है। ठीक है, तो अलग अलग काम में रीइंट्रोडक्शन का भी ये फायदा हो सकता है, तो यही चीज़ है इसके बारे में बताना चाह रहे हैं। द चीता इज द ओनली लार्ज कार्निवोर दैट हैज बीन एक्सटर्पेटेड, एक्सटर्पेटेड माने एक्सटिंक्ट या हट खत्म हो गए, मेनली बाय ओवर हंटिंग इन इंडिया इन हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल टाइम। देखिए चीता एक ऐसा ऐसा कार्निवोर है, लार्ज कार्निवोर है जो अपने आप खत्म नहीं हुआ, जैसे होता है ना कुछ बीमारी लग गई या अमाउंट में कम हो गए, नहीं ऐसा नहीं हुआ, ओवर हंटिंग की वजह से ये चीता का एक्सटिंक्शन हुआ है भारत से। तो
ओवर हंटिंग पहले क्या होता था, राजा महाराजा होते थे, शिकार पे जाते थे, चीता का शिकार करते थे, ओवर हंटिंग होती थी भारत में, तो तब उसकी वजह से ये ख़त्म हो गए थे। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं इस बात को, आगे बढ़ते हैं, कुछ फैक्ट्स पढ़ लेते हैं चीता के बारे में। देखिए चीता का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, असाइनोनिक्स जुबिटस। क्या नाम है, असाइनोनिक्स जुबिटस, इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑफ अ बिग कैट फैमिली। कैट फैमिली से आते हैं जो चीता हैं, टाइगर्स हैं, और जो कैट्स हैं वो एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। विद एंसेस्टर्स दैट कैन बी ट्रेस्ड बैक मोर देन 5 मिलियन ईयर्स टू अ मियोसन एरा। जो मियोसन एरा है, बहुत सारे एराज आपने पढ़े होंगे, जुरासिक एरा या इस तरीके से आपने मियोसन एराज पढ़े होंगे। तो मियोसन एराज में क्या हुआ था, टाइगर्स या चीता का इंट्रोडक्शन हुआ था। जो ज़मीन पर लैंड ड्वेलर्स जैसे हम बोलते हैं, लैंड ड्वेलर्स माने ज़मीन पर भागने वाले मैमल्स, उनका इंट्रोडक्शन हुआ था, जैसे उसमें चीता हो गया। तो मियोसन एरा होता है, अब मियोसन एरा के बारे में ज़रूर पढ़िएगा, कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, द चीता इज ऑल्सो द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट लैंड मैमल। ये भी है बात कि वर्ल्ड्स फास्टेस्ट लैंड मैमल है, ज़मीन पर चलने वाला, बहुत तेज़ भागने वाला मैमल है। मैमल आप समझते हैं, मैमल वो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो जीव होते हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं, जो बेबी प्रोड्यूस करते हैं, अंडे पैदा नहीं करते हैं। समझ गए मैमल्स का जनरल मीनिंग है। IUCN रेड लिस्ट में इसकी जो कैटेगरी है वो किस में, वल्नरेबल, मतलब खतरनाक वाली स्थिति में। वल्नरेबल इससे खतरनाक नहीं कहेंगे बहुत ज़्यादा, बट हाँ कंडीशन ख़राब है कि ख़त्म हो सकते हैं, एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, अगर इनका शिकार होता रहा, एक्सप्लॉयटेशन होता रहा या पोचिंग होती रही तो ये ख़त्म हो सकते हैं। इसलिए इसको क्या लिस्ट, IUCN की लिस्ट में क्या नाम, किस कैटेगरी में रखा गया, वल्नरेबल। द कंट्रीज लास्ट स्पॉटेड फैलन डाइड इन छत्तीसगढ़ इन 1947। जो कंट्री में, हमारे भारत में जो लास्ट फैलन था, फैलन मतलब यही चीता, चीते की बात हो रही है, वो छत्तीसगढ़ में मरा था कब, 1947 में, आखिरी जो था। लेटर द चीता वॉज डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट इन इंडिया इन 1952। उसके बाद 1952 में ये डिक्लेयर कर दिया गया था, ये घोषित कर दिया गया था कि चीता एक्सटिंक्ट हो गया है भारत से। तो आप ये बात याद रखिएगा, इस डेट को याद रखिएगा। द एशियाटिक चीता इज क्लासिफाइड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। अच्छा, जो एशियाटिक चीता है वो कैसे हैं, वो किस लिस्ट में, मतलब IUCN की रेड लिस्ट में, कौन सी कैटेगरी में, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, काफ़ी खतरनाक इस स्थिति में। एंड इज बिलीव टू सर्वाइव ओनली इन ईरान। और कहाँ पर है ज़्यादातर, कहाँ पाए जाते हैं, ईरान में पाए जाते हैं। तो एशियाटिक चीता है, कहाँ पाए जाएंगे, जो ज़्यादातर पाए जा रहे हैं कहाँ पर, ईरान में, और किस लिस्ट में रखे जा रहे हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ओके, तो आप ये बात समझ रहे होंगे, एशियाटिक चीता की बात कर रहे हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिस्ट में है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए NTCA हमने पढ़ा था अभी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इसके बारे में देख लेते हैं, कैसे स्टैचुटरी बॉडी है। स्टैचुटरी बॉडी मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में ऐड करी गई है पार्लियामेंट्री अमेंडमेंट्स के बाद, ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्टैचुटरी बॉडी। अब किसके अंडर में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर ये आता है। ठीक है, इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर इनेबलिंग प्रोविजन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था 1972 का, उसमें इसको कॉन्स्टिट्यूट करा गया था NTCA को, एज अमेंडेड इन 2006 फॉर स्ट्रेंथनिंग टाइगर कंजर्वेशन। जब 2006 में, मतलब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का 1972 में जो बना था, उसमें जब अमेंडमेंट करा गया था 2006 में, तब ये इंट्रोड्यूस करा था, तब कॉन्स्टिट्यूट करा था NTCA को। क्यों करा था NTCA को, जिससे कि वो स्ट्रेंथन कर सके, तादाद बढ़ा सके, किसकी, टाइगर की, टाइगर को कंजर्व कर सके, टाइगर को बचा सके, तो NTCA। ओके, कंपोजिशन समझ लेते हैं क्या है, सेटअप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट की जो मिनिस्टर है, उसके चेयरमैन के अंडर ये काम करता है। द अथॉरिटी विल हैव 8 एक्सपर्ट्स और प्रोफेशनल्स। 8 एक्सपर्ट्स होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, जिन्हें नॉलेज होती है थोड़ी बहुत जानवरों की, हैविंग क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। जिनके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, किसके किस किस क्षेत्र में, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के क्षेत्र में। एंड वेलफेयर ऑफ पीपल इंक्लूडिंग ट्राइबल्स अपार्ट फ्रॉम 3 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ओके, वेलफेयर ऑफ पीपल इंक्लूडिंग ट्राइबल्स, देखिए ट्राइबल्स के बारे में जानते हो, ट्राइबल कम्युनिटीज के बारे में जानते हो, उनके वेलफेयर के लिए जो काम करे, तो ऐसे 8 एक्सपर्ट चुने जाते हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम 3 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ होम, अब देखिए 3 मेंबर चुने जाते हैं पार्लियामेंट में से, ऑफ होम 2 विल बी इलेक्टेड बाय द हाउस ऑफ पीपल। 2 उसमें से चूज करे जाते हैं, कहाँ से, हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल किसे बोलते हैं हम, लोअर हाउस को, लोकसभा को। एंड 1 बाय द काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट माने राज्यसभा, अपर हाउस।
ठीक है, तो काउंसिल ऑफ स्टेट से एक चुना जाता है और लोकसभा से दो चुने जाते हैं। ठीक है, तो तीन मेंबर्स यहाँ से चुने जाते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट से तीन यहाँ से चुने जाते हैं, आठ एक्सपर्ट्स चुने जाते हैं जो जिन पर नॉलेज हो किसके किस क्षेत्र में, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन के क्षेत्र में। फंक्शन क्या रहेगा एनडीसीए का, देखिए फंक्शन देख लीजिए, बहुत नॉर्मल से फंक्शन है, सबको पता है, पेपर में आएगा तो आप कर ही लेते हैं कि हाँ भाई टाइगर के बारे में बात हो रही है, कंजर्वेशन के बारे में बात हो रही है, तो हम उससे अंदाजा लगा ही लेते हैं, तो कुछ अलग है नहीं इसमें, देख लेते हैं। एंश्योरिंग नॉर्मेटिव स्टैंडर्ड्स इन टाइगर रिजर्व मैनेजमेंट, टाइगर रिजर्व मैनेजमेंट के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं कि हमें किस तरीके से उनको कंजर्व किया जाए, मैनेज करा जाए, तो उस पर ध्यान देते हैं, फंक्शन ये हो गया। प्रिपरेशन ऑफ रिजर्व स्पेसिफिक टाइगर कंजर्वेशन प्लान, टाइगर कंजर्वेशन प्लान बनाया जाता है स्पेसिफिक जिससे कि टाइगर को कंजर्व करा जा सके। थर्ड, लेइंग डाउन एनुअल ऑडिट रिपोर्ट बिफोर पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के सामने ऑडिट रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं, एनुअल रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं, सालाना रिपोर्ट्स तैयार करी जाती हैं, किसके किस किस पर किसके लिए, टाइगर की कंजर्वेशन के लिए, कि कैसे कैसे टाइगर कहाँ पर कितने हैं, कितने बढ़ गए, कितने कम हो गए, ये सब ध्यान देते हैं ये। ठीक है, अकॉर्डिंग अप्रूवल फॉर डिक्लाइनिंग न्यू टाइगर रिजर्व्स, तो वही अप्रूव करते हैं कि टाइगर रिजर्व्स कहाँ बनवाने हैं, कहाँ पर कम हो गए, कितने और बनवाने हैं, तो उस पर ध्यान देते हैं एनटीसीए। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे इतनी बात, तो इसमें ये पूरे टॉपिक में आप पढ़ लीजिएगा, एनटीसीए के बारे में पढ़ लीजिएगा, चीता के बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक है भीतरकनिका सेंसस ऑन सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, भीतरकनिका जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उड़ीसा में, उन्होंने सेंसस निकाला है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के बारे में, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स हैं नमकीले पानी के जो मगरमच्छ हैं उनके बारे में जानकारी निकाली है, सेंसस निकाला है कितने हैं, कितने मात्रा में है। भीतरकनिका सेंसस फाइंड्स एन इंक्रीज इन 15 सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल फ्रॉम लास्ट ईयर, मतलब पिछले साल से 15 सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल में बढ़ोतरी हुई है, इंक्रीमेंट हुआ है, 15 क्रोकोडाइल बढ़ गए हैं, मतलब अच्छा प्रोटेक्शन चल रहा है। अब देर आर नाउ 1757 क्रोकोडाइल्स इन द पार्क, अब कितने हैं वहाँ पर, 1757 क्रोकोडाइल्स है पार्क में। द सेंसस कंडक्टेड ऑन जनवरी 3, 2020, कब करा गया था, 3 जनवरी 2020 को करा गया था फाउंड। ठीक है, लास्ट ईयर देर वॉज 1742 क्रोकोडाइल्स, देख रहे हैं पिछले साल कितने थे, 1742, इसमें 15 और बढ़ गए तो कितने हो गए, 1757, तो आप समझ लीजिएगा इतने सेंसेस कराए तो 15 क्रोकोडाइल्स बढ़ गए, इसमें से तो कुछ नहीं आएगा, नीचे जो इंपॉर्टेंट है इसमें से आएगा। अब देखिए जो स्पीसीज होती है ना क्रोकोडाइल की, तीन तरीके की स्पीसीज होती है क्रोकोडाइल, तीन तरीके के होते हैं, एक होता है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, एक होता है मगर जिसे हम मगर बोलते हैं, और तीसरा होता है घड़ियाल, तीनों अलग अलग तरीके की प्रजाति होती हैं, होते क्रोकोडाइल है, बस थोड़ा बहुत अंतर होता है उनमें, उनके शेप में थोड़ा बहुत अंतर होता है। देखिए अब यहाँ पे डायग्राम में आप देखेंगे, सॉरी देखिए यहाँ डायग्राम में देखेंगे ना, इधर देखिए एलिगेटर, इनका जो माउथ है स्टाउट है जैसे हम ये बोलते हैं माउथ, उनके शेप में बहुत अंतर होता है। देखिए ये देखिए इंडियन घड़ियाल हो गया, फॉल्स घड़ियाल, ठीक है ये देखिए इंडियन घड़ियाल हो गया, यहाँ पे ये क्रोकोडाइल हो गया, तो इनकी शेप में देखिए कितना अंतर है, परिवर्तन कितना है, यहाँ देखिए ये इंडियन घड़ियाल शेप अलग है। ठीक है, बाकी कौन सा था हमारा, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल देखिए इसकी शेप अलग है, मगर क्रोकोडाइल इसका फेस की शेप अलग है, तो इनमें बहुत अंतर होता है। ठीक है, तो उसके बारे में आप देखिए, मगर पहला कौन सा है, मगर के बारे में देखते हैं। मगर क्रोकोडाइल ऑल्सो कॉल्ड द इंडियन क्रोकोडाइल और मार्श क्रोकोडाइल, मगर क्रोकोडाइल को क्या बोला जाता है, भारतीय इंडियन क्रोकोडाइल और मार्श क्रोकोडाइल, मार्श क्रोकोडाइल क्योंकि ये दलदली इलाके में पाए जाते हैं ज़्यादातर। ठीक है, इस फाउंड थ्रू आउट द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में सब जगह पाए जाते हैं, ज़्यादातर जगह पाए जाते हैं ये। इनका जो IUCN की रेड लिस्ट बनाई जाती है उसमें कौन सी जगह है इनकी वल्नरेबल, मैंने IUCN रेड लिस्ट के बारे में पहले भी बताया आपको, तो उसमें जो इसकी जो लिस्ट है कैटेगरी जो है वो किस में, वल्नरेबल में है। द मगर इज मेनली अ फ्रेश वाटर स्पीसीज, मगर जो होते हैं ज़्यादातर कैसे होते हैं, फ्रेश वाटर होते हैं, ये बात याद रखनी है आपको। एंड फाउंड इन लेक्स रिवर्स एंड मार्शेस, कहाँ पाए जाते हैं, लेक्स में रिवर्स में और मार्शेस में पाए जाते हैं, तो याद रखना आपको कैसा है ये, फ्रेश वाटर। अब घड़ियाल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, घड़ियाल और फिश ईटिंग क्रोकोडाइल कैसे होते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, फिश ईटिंग क्रोकोडाइल, ज़्यादातर फिशेस को खाते हैं ये, इज नेटिव टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं ज़्यादातर ये। इनकी जो IUCN की रेड लिस्ट है उसमें उनकी जो जो कैटेगरी है वो कौन सी, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, काफ़ी खतरनाक स्थिति में, ख़त्म हो सकते हैं, मरने वाले नहीं है, ख़त्म हो सकते हैं, तादाद बहुत कम हो गई है। ठीक है, स्मॉल रिलीज्ड पॉपुलेशन आर प्रेजेंट इन इंक्रीजिंग इन द रिवर ऑफ नेशनल चंबल सेंचुरी, कहाँ पाए जाते हैं ज़्यादातर,
नेशनल चंबल सेंचुरी में, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, सोन रिवर सेंचुरी में, ठीक है, एंड रेन फॉरेस्ट बायोम ऑफ महानदी इन सतकोशिया गॉर्ज सेंचुरी, यहाँ उड़ीसा में पाए जाते हैं। उड़ीसा की काफ़ी जगहों पे पाए जाते हैं, जैसे कि आप भी समझ रहे हैं, ये सोन रिवर सेंचुरी हो गया, महानदी इन सतकोशिया गॉर्ज सेंचुरी यहाँ पर पाए जाते हैं। तो समझ रहे हैं आप, भीतर करने का हमें पूरा पूरा एरिया कवर कर रखा है वहाँ पर उड़ीसा में, तो उस जगह पर बहुत जगह पाए जाते हैं ये, ठीक है। तो आप इसके बारे में समझ गए होंगे। आगे देखते हैं, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, इट इज़ द लार्जेस्ट ऑफ ऑल लिविंग रेप्टाइल्स। जो रेप्टाइल्स हैं, रेप्टाइल्स में रेंगने वाले जीव जो होते हैं, ठीक है, जो अंडे अंडे देते हैं, रेप्टाइल्स हमेशा अंडे देते हैं, क्रोकोडाइल्स हमेशा अंडे देते हैं, ठीक है। लार्जेस्ट हैं, बहुत बड़े हैं ये, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल काफ़ी लंबे होते हैं। और लीस्ट कंसर्न पे आते हैं, इट लिस्टेड एज लीस्ट कंसर्न बाय IUCN। लीस्ट कंसर्न माने कि ज़्यादा चिंताजनक कंडीशन नहीं है इनकी, अच्छे हैं, काफ़ी सारा अमाउंट है इनका, जल्दी मरेंगे नहीं, ज़्यादा दयनीय स्थिति में नहीं है, ठीक है। इट इज़ फाउंड थ्रू आउट द ईस्ट, थ्रू आउट द ईस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, यहाँ ईस्ट की ईस्ट वेस्ट ईस्ट ईस्ट में पाया जाता है ये, ठीक है। तो आप समझिए होंगे लीस्ट कंसर्न में होता है ये। ओके, आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए मैंने बताया था ये शेड वगैरह आपको दिखाई थी, ठीक है, इस तरीके से। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब बात आ रही है कि इसकी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहाँ है, क्या है। अच्छा, आयुष देखिए, बर्ड है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, एरिड एरिड एरियाज में पाई जाती है ज़्यादातर, गुजरात राजस्थान के, ठीक है, देख रहे हैं आप इसकी शेप वगैरह। ओके, इससे इमेजिनेशन मिल जाता है आपको कि बर्ड कैसा है, और एरिया के हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर पाया जाता है। तो IUCN स्टेटस कैसा है इसका, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, कैसा है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। कहाँ पाया जाता है ज़्यादातर, गुजरात महाराष्ट्र कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश, ऐसी जगहों पर पाया जाता है। अब देखिए, शेड्यूल 1 ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो था 1972 का, सबका एक शेड्यूल होता है, सबकी एक लिस्ट बनी होती है, तो इसकी जो लिस्ट बनी हुई है शेड्यूल 1 में, इसको डाला गया है। जो भी वन में डाले जाते हैं शेड्यूल 1 में, किसी के भी, चाहे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के में हो, चाहे साइट्स के में हो, तो उसमें क्या होता है ना, शेड्यूल 1 में हमेशा वो जानवरों को डाला जाता है जो खतरनाक स्थिति में, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, एंडेंजर्ड है या फिर क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, जो ख़त्म होने की स्थिति पर है, तो उन्हें डाला जाता है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में डाला गया है। दूसरा, अपेंडिक्स 1 ऑफ CMS, किसमें, CMS कन्वेंशन जो हुआ था उसके अपेंडिक्स 1 में डाला गया है, और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में डाला गया। याद रखिएगा, साइट्स का अपेंडिक्स अलग है, CMS का अपेंडिक्स कन्वेंशन, CMS कन्वेंशन का अपेंडिक्स 1 अलग है, तो आप इस बात पर ध्यान रखिएगा। आइडेंटिफाई एज वन ऑफ द स्पीसीज फॉर द रिकवरी प्रोग्राम अंडर द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटाट। ये देखिए, एक स्पीसीज ऐसा है जो रिकवरी प्रोग्राम में डाला गया है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटाट। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटाट माने कि बहुत सारे जानवरों को एक साथ एक एरिया में हमें प्रोटेक्शन देना पड़ेगा, जैसे कि ये हो गए, इसके साथ और जानवर हो गए, तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट है, मिलजुल के बहुत सारे जानवर एक दूसरे के प्रोटेक्शन के साथ ही रहेंगे, एक दूसरे के हैबिटेट में रहेंगे, और वो वहाँ पर अच्छी तादाद उनकी बढ़ेगी, उनका हम डेवलप कर सकते हैं वहाँ पर। ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, किसके अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट के अंडर में। अब इसके साथ क्या क्या चीज़ें हैं, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में हम पढ़ते हैं, कहाँ पर, स्टेट ऑफ राजस्थान में हुआ था प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। आइडेंटिफाइंग एंड फेंसिंग ऑफ बस्टर्ड ब्रीडिंग ग्राउंड इन एग्जिस्टिंग प्रोटेक्टेड एरियाज, जो प्रोटेक्टेड एरियाज है जहाँ पे बस्टर्ड्स पाए जाते हैं वहाँ पे फेंसिंग करी जाएगी। फेंसिंग माने कि आसपास, मतलब किनारों पे, पेरीमीटर्स पे क्या लगाया जाएगा, जाल लगाए जाएंगे जिससे कि कोई कोई अंदर ना आए या फिर ये बर्ड्स बाहर ना जा पाए, ठीक है, फेंसिंग लगाई जाएंगी जिससे कि उनकी ब्रीडिंग हो सके आराम से, वो पल सके वहाँ पर, उन्हें कोई खतरा ना हो। एज वेल एज प्रोवाइड सिक्योर ब्रीडिंग एनक्लोजर्स इन एरिया आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरियाज, और इसके साथ साथ प्रोटेक्टेड एरियाज के बाहर भी हम उन्हें सेफली रख सकें, ठीक है। प्रोटेक्टेड एरियाज कौन कौन से हो गए इसके, जैसे कि डेजर्ट नेशनल पार्क हो गया राजस्थान का, रोलापड़ू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया आंध्र प्रदेश का, करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया मध्य प्रदेश का, तो ऐसी जगहों पे ये पाए जा रहे हैं, ऐसी जगहों पे इनका प्रोटेक्शन करा जा रहा है। तो अब मैप में भी देखेंगे कि देखिए मैप में देख रहे हैं आप, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कौन से, ब्लैक वाला एरिया जो है, ये सब राजस्थान गुजरात केरल आंध्र प्रदेश इधर एरिया है जो है, कर्नाटक, ठीक है, तो इन एरियाज में पाए जा रहे हैं ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स, तो इन पर आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ओके, ये इमेज आप, आपको ध्यान रहेंगे, मैप ध्यान में रहेंगे, तो एरिया और लोकेशन आप अपने आप ही पेपर में कर पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब।
आगे बात हो रही है प्रोजेक्ट डॉल्फिन, डॉल्फिन के बारे में बात हो रही है, डॉल्फिन्स के कंजर्वेशन की बात होगी इसमें। द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू लॉन्च अ प्रोग्राम कॉल्ड प्रोजेक्ट डॉल्फिन। सरकार ने एक प्रोग्राम लॉन्च करा है जिसका नाम है प्रोजेक्ट डॉल्फिन, अलॉन्ग द लाइन ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर टू एनहांस द पॉपुलेशन ऑफ दीज डॉल्फिन। प्रोजेक्ट टाइगर के साथ साथ ही प्रोजेक्ट डॉल्फिन भी निकाला है, जैसे कि डॉल्फिन्स की जो प्रजाति हैं, जो गंगा गैंगेटिक डॉल्फिन से जो गंगा में पाई जाती है, उनको हम प्रोटेक्ट कर सकें। स्टेटस क्या है इनका, प्रोटेक्शन स्टेटस देखिए, डॉल्फिन हैज़ बीन इंक्लूडेड इन शेड्यूल वन ऑफ द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। देखिए आप बार बार पढ़ेंगे इसे, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, आपको डेट भी याद रहेगी, आपको हर चीज़ याद रहेगी, आप भूलेंगे नहीं। तो शेड्यूल वन में रखा गया है, शेड्यूल वन में हम किसको रखते हैं हमेशा, एंडेंजर्ड और क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज को, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। साइट्स की कन्वेंशन, साइट्स की फुल फॉर्म देखिए, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज। मैंने साइट्स के बारे में पहले भी बताया आपको, साइट्स की COP18 मीटिंग के बारे में आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, पहले लेक्चर में है मेरे में, आप देख लीजिएगा। तो क्या है साइट्स में क्या ध्यान रखता है, इंटरनेशनल ट्रेड कि मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे जानवर जो काफ़ी दयनीय स्थिति में है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, उनका ट्रेड ना करा जाए, उनका बिजनेस ना करा जाए, तो कौन ध्यान रखता है, साइट्स ध्यान रखता है। तो साइट्स के अपेंडिक्स फर्स्ट में डाला गया है किसको, डॉल्फिन को। बाकी कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज, CMS की फुल फॉर्म क्या थी, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज के कौन से लिस्ट में डाला, अपेंडिक्स टू में डाला गया है। एंड कैटेगराइज एज एंडेंजर्ड ऑन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर रेड लिस्ट। एंडेंजर्ड किसकी लिस्ट में, IUCN, IUCN की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसकी रेड लिस्ट में डाला गया है। किसकी रेड लिस्ट में, कौन सी लिस्ट में डाला गया, मतलब कौन सी कैटेगरी में डाला गया, एंडेंजर्ड कैटेगरी में, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ओके, देर आर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस 7 स्टेट्स इन इंडिया। देखिए 7 स्टेट्स में ये पाए जाएंगे, जैसे कि असम हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, यहाँ ये पाए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं पूरे, ठीक है। तो आप इस बात पर ध्यान रखिएगा, जहाँ पर गंगा फैली हुई है, गंगेटिक है ये। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर, अच्छा सॉरी मैंने ऊपर वाला पॉइंट मिस कर दिया है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसका एक और क्या है, देखिए पढ़ लेते हैं। गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन कैन ओनली लिव इन फ्रेश वाटर, इस बात को आपको ध्यान रखना है कि फ्रेश वाटर में पाई जाती है, एंड आर ब्लाइंड एंड कैच देयर प्रे इन अ यूनिक मैनर। आपको पता होना चाहिए कि जो डॉल्फिन होते हैं वो ब्लाइंड होते हैं, जैसे कि बैट्स होती हैं चमकादड़, वो भी ब्लाइंड होते हैं, ऐसी इसी तरीके से जो गैंगेटिक ये डॉल्फिन होती हैं वो भी ब्लाइंड होती हैं। वो किस तरीके से अपने जानवर को पकड़ती हैं, यूनिक उनका देखिए फीचर होता है किस तरीके से, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स की वजह से। अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स कैसे काम करता है, देखिए अल्ट्रासोनिक साउंड वेव जैसे कि रडार में यूज़ करे जाते हैं, बैट्स यूज़ करते हैं, जैसे बैट्स हो गए या डॉल्फिन हो गए, क्या है मूव कर रहे हैं तो ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं अपने साथ साथ, एक इको प्रोड्यूस करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स छोड़ते हैं, जैसे डॉल्फिन है वो चलती जा रही है और वो वेव छोड़ती जा रही है। अब उसके सामने कोई भी जानवर होगा, बड़ा जानवर या कोई भी पत्थर, पहाड़, पहाड़ नहीं सॉरी, कोई भी चट्टान वट्टान आ गई उसके सामने, तो उससे टकरा के वो वेव्स वापस आएंगी उसके पास। अब जब वेव्स टकरा के वापस आएंगी तो उसे फील होगा कि अच्छा ये जल्दी से, अब उससे वो अंदाज़ा लगा लेते हैं डिस्टेंस का कि वेव अगर जल्दी आ गई इसका मतलब क्या है, सामने कुछ आसपास ही कुछ चीज़ है, अगर देर में आ रही है तो इसका मतलब समझ जाएंगे कि थोड़ा दूर कुछ कुछ ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन है। इससे वो अपने जानवरों को भी, अपने ऑर्गेनिज्म जो प्रे होते हैं जिनका वो शिकार कर रहे हैं, उन्हें भी समझ पाते हैं कहाँ पर है, और चट्टानों वट्टानों से भी टकराने से भी बच जाते हैं। तो इस तरीके से अल्ट्रासोनिक वेव जो होती है इस तरीके से काम करती हैं, तो ये बात आपको पता होना चाहिए। बैट्स भी ऐसे काम करते हैं, वो भी साउंड प्रोड्यूस करते हैं, वेव्स प्रोड्यूस करते हैं, वो कहीं टकराती है फिर वापस लौट के आती है उनके पास, तो उससे उन्हें डायरेक्शन का अंदाज़ा हो जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है, समझ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। द गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन वर ऑफिशियली डिस्कवर्ड इन 1801, ऑफिशियली डिस्कवर करी गई थी गंगा गंगा में 1801 में। एंड द वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्रिएचर इन द वर्ल्ड अलॉन्ग विद सम स्पीसीज ऑफ टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स एंड शार्क। देखिए आपको ये बात पता होना चाहिए, जो क्रोकोडाइल्स होते हैं या फिर जो शार्क्स एंड टर्टल हैं, बहुत पुराने ज़माने के, बहुत हमारे एंसेस्टर्स हैं, बहुत जब पृथ्वी बनी ही थी वो काफ़ी तब के हैं, मतलब काफ़ी शुरुआत के हैं, जब बहुत ज़्यादा जानवर थे भी नहीं, तो उसी कैटेगरी में डॉल्फिन भी आते हैं। डॉल्फिन भी बहुत पुराने ज़माने से हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF के अनुसार उन्होंने ये बताया है, ये काफी ओल्डेस्ट क्रिएचर है ये। सम ऑफ द एफर्ट्स मेड टू प्रिजर्व एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ दीज डॉल्फिन, देखिए सरकार के क्या क्या एफर्ट्स हैं, क्या क्या कंजर्वेशन वो कर रहे हैं जिसकी वजह से वो डॉल्फिन के नंबर को इंक्रीज कर सके। पहला क्या है, सेटिंग अप ऑफ कंजर्वेशन एक्शन प्लान फॉर द गैंगेटिक डॉल्फिन।
2010 2020, देखिए 10 साल का एक पूरा विंडो बनाई गई है। 10 साल के अंदर उन्हें कंजर्व करने का एक एक्शन प्लान बनाया गया है, जिसके दौरान वो क्या करेंगे, गैंगेटिक डॉल्फिन्स को वो प्रिजर्व करेंगे, कंजर्व करेंगे, विच हैज आइडेंटिफाइड थ्रेट्स टू गैंगेटिक डॉल्फिन्स एंड इम्पैक्ट ऑफ रिवर ट्रैफिक। अब इसमें वो क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे गंगा जो गैंगेटिक डॉल्फिन्स है उन्हें क्या थ्रेट मिल रहा है, किस वजह से वो परेशान है, किस वजह से उनकी मृत्यु हो रही है, रिवर ट्रैफिक के बारे में वो जानकारी लेंगे, इम्पैक्ट ऑफ रिवर ट्रैफिक मतलब रिवर में इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, ट्रैफिक मतलब कि शिप्स और बोट्स चल रही हैं बहुत ज़्यादा, तब भी दिक्कत होती है उन्हें, इरीगेशन कैनाल्स हैं उसकी वजह से भी दिक्कत होती है, एंड डिप्लीशन ऑफ प्रे बेस्ड ऑन डॉल्फिन पॉपुलेशन। और उसके साथ साथ अगर वहाँ पर जैसे फिशिंग हो रही है, फॉर एग्जाम्पल गैंगेटिक एरियाज में गंगा में फिशिंग हो रही है, जो फार्मर्स हैं या फिशरमैन हैं वो क्या कर रहे हैं, फिश को निकाल रहे हैं वहाँ से खाने के लिए, यूज़ करने के लिए, बेचने के लिए, तो वो ख़त्म हो गई वहाँ से, वहाँ पे एरिया में कम है, उसकी वजह से फिर क्या है, इन्हें भी फिशेज़ की ज़रूरत पड़ती है खाने के लिए, क्या खाएंगे, उन्हीं पे आश्रित हैं, तो डॉल्फिन्स मर जाती हैं इस वजह से, उन्हें खाने को नहीं मिलती चीज़ें, तो ये भी देखेंगे वो सब चीज़ें उन्हें मेनटेन करना है, तो एक्शन प्लान बनाया गया है, ये इस बात को आप ध्यान रखिएगा। गैंगेटिक डॉल्फिन्स हैव बीन इंक्लूडेड इन शेड्यूल वन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 उसकी किस लिस्ट में रखा गया है, शेड्यूल वन में, क्योंकि क्योंकि इंडेंजर्ड है ये भाई, तो शेड्यूल वन में रखा गया, याद रखिएगा आप इस बात को। देर आर ऑल्सो वन अमंग द 21 स्पीसीज आइडेंटिफाइड अंडर द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटाट। ये एक स्कीम है, स्कीम का नाम क्या है, डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटाट, जो किसने स्पॉन्सर करा है, किसने पैसा लगाया है, सरकार ने लगाया है, सेंट्रल ने पैसा लगाया है, उसके अंडर में 21 जानवरों को रखा गया है, 21 स्पीसीज को रखा गया है, जिसकी वो देखभाल करेंगे, उनके प्रोटेक्शन पर ध्यान देंगे, उसमें से डॉल्फिन एक है, तो आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हम अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं कि हम आपको अच्छा कंटेंट दे सकें, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप इसको, इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है, फिफ्थ पे आ गए हम, सुमात्रन राइनो। सुमात्रन राइनोज की बात हो रही है। सुमात्रन राइनो इज नाउ एक्सटिंक्ट इन मलेशिया। मलेशिया में से सुमात्रन राइनोज थे वो खत्म हो गया पूरी तरीके से। नाउ देयर आर जस्ट 80 सुमात्रन राइनो लेफ्ट इन द वर्ल्ड। अब 80 सुमात्रन राइनोज ही हैं बस इस दुनिया में। ऑल ऑफ देम इन इंडोनेशिया। और सब कहाँ पर है, ज़्यादातर इंडोनेशिया में। इस बात को आपको ध्यान रखना है, इंडोनेशिया में ही हैं ज़्यादातर सारी, स्पेशली ऑन द आइलैंड ऑफ सुमात्रा। इंडोनेशिया का जो आइलैंड है सुमात्रा जावा, आपने पढ़ा होगा, एंड द इंडोनेशियन पार्ट ऑफ बोर्निया। और इंडोनेशिया के कुछ पार्ट से जैसे कि बोर्निया हो गया, सुमात्रन आइलैंड है, वहीं पाए जाते हैं सारे राइनोज। देखिए राइनो जैसे दिखते हैं, आप इमेज भी रखिएगा ध्यान में, जानवरों की पहचान होनी चाहिए। बैकग्राउंड क्या कहता है इसका, द सुमात्रन राइनो इज द स्मॉलेस्ट ऑफ द फाइव एक्सटेंट राइनो स्पीसीज इन द वर्ल्ड। जो 5 तरीके के जो राइनोज हैं उसमें से सबसे छोटे जो होते हैं वो यही होते हैं, सुमात्रन राइनो। द अदर स्पीसीज इंक्लूड द वाइट राइनो। अब उसके साथ साथ और कौन कौन से स्पीसीज हैं, जैसे कि वाइट राइनो हो गए, अफ्रीकाज में पाए जाते हैं और जगहों पे पाए जाते हैं, ब्लैक राइनो हो गए, द ग्रेटर वन हॉर्न राइनो, राइनोसेरस, वन हॉर्न राइनोसेरस एक ग्रेटर दूसरे तरीके के, एंड द जावन राइनो और दूसरे तरीके के हैं जावन राइनो। तो इनमें से सबसे छोटे कौन से होते हैं, सुमात्रन राइनो, आपको याद रखने, कैसे होते हैं, स्मॉलेस्ट। इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन द 19th सेंचुरी द सुमात्रन राइनोज अकर्ड इन पार्ट ऑफ। देखिए 19वीं सदी में इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में कहाँ कहाँ बहुत ज़्यादा जगह पे पाए जाते थे, जैसे कि असम में पाए जाते थे, नागालैंड में, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नदन बंगाल, भूटान, कमीलिया एंड द चिटागोंग हिल ट्राइब, ऐसी जगहों पर पाए जाते थे पहले, बट अब एक्सटिंक्ट हो गए हैं, वो ख़त्म होते जा रहे हैं उन जगहों से। क्यों, शिकार की वजह से, जो वन हॉर्न है इनका वो बेचते हैं, मार्केट में बिकता है वो, तो इसी वजह से उसका शिकार करते हैं, पोचिंग करी जाती है, ट्रेड करा जाता है, बिजनेस करा जाता है इलीगल तरीके से, इसी वजह से ये ख़त्म हो रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं, 3-4 बातें आपको याद रखनी, सुमात्रन राइनो अब कहाँ पर रह गए, इंडोनेशिया में रह गए हैं, जो अब जो सुमात्रन राइनो है बहुत स्मॉल हैं, स्मॉलेस्ट हैं, तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। घसीटा दास नेशनल पार्क, ये गुरु घसीटा दास नेशनल पार्क का नाम थोड़ा अजीब सा है बट नाम है। इट विल बी छत्तीसगढ़ फोर्थ टाइगर रिजर्व। छत्तीसगढ़ में 4 टाइगर रिजर्व्स हैं, उसमें से चौथा ये बना गया नया गुरु घसीटादास नेशनल पार्क। द करेंट 3 टाइगर रिजर्व, जो 3 टाइगर रिजर्व है वो कौन सा है, अचनकमार उदंती सीता नदी
एंड इंद्रावती टाइगर रिजर्व्स। देखिए नाम थोड़े टंग ट्विस्टर्स होते हैं, टंग ट्विस्ट हो जाती है, बट कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे ना जो स्टार वाले हैं कुछ कुछ, देखिए ये स्टार क्या है, अचनक मार, ठीक है, और यहाँ पर है उदंती, सीता नदी, ठीक है, और यहाँ पर कौन सा था, इंद्रावती, ये रहा इंद्रावती। तो ये सारे क्या हैं, टाइगर रिजर्व्स हैं। तो ये कहाँ पर है, किसकी बात हो रही है, छत्तीसगढ़ की। तो आप याद रखिएगा, मैप के अनुसार भी आप याद रखिएगा चीज़ों को, ठीक है। छोटी सी न्यूज़ थी बट पता होना चाहिए इसके बारे में। ये तो सिंपल हो गया कि छत्तीसगढ़ में चार रिजर्व्स हैं, तो उनके आपको चारों के बारे में नॉलेज मिल गई थोड़ी बहुत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब सेवन्थ न्यूज़ क्या कहती है, बंदीपुर नेशनल पार्क। बात कर रहे हैं बंदीपुर नेशनल पार्क की, कर्नाटका में जो स्थित है। बंदीपुर नेशनल पार्क एस्टेब्लिश इन 1974, कब एस्टेब्लिश करा गया था, 1974, एज अ टाइगर रिजर्व। किसके लिए, टाइगर को रिजर्व करने के लिए, कंजर्वेशन करने के लिए, अंडर टाइगर प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर ही करा गया था। इज अ नेशनल पार्क लोकेटेड इन इंडियन स्टेट ऑफ कर्नाटका, इंडिया इंडियन स्टेट के जो कर्नाटका है यहाँ पर। देखिए ये है ना बंदीपुर टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क, यहाँ पाया जा रहा है। देखिए साउथ रीजन में बहुत ज़्यादा टाइगर रिजर्व पाए जाते हैं, और नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं इधर, ठीक है। बंदीपुर इज नोन फॉर इट्स वाइल्ड लाइफ एंड हैज़ मैनी टाइप ऑफ बायोम्स। देखिए वाइल्ड लाइफ के लिए जाना जाता है बंदीपुर, और अलग अलग तरीके के बायोम्स है, बायोम्स माने ऑर्गेनिजम्स हैं, अलग अलग तरीके के जीव है यहाँ पर, ठीक है। बट ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट इज डोमिनेंट, बट यहाँ पे फॉरेस्ट कैसा है, ड्राई डेसिडियस, ठीक है, इस तरीके का पेड़ पौधे वहाँ पाए जाते हैं। टुगेदर विद द एडजॉइनिंग, देखिए आसपास कौन कौन से इलाके हैं, नागरहोल नेशनल पार्क, ये रहा नागरहोल नेशनल पार्क है, मुदुमलाई नेशनल पार्क है, ये रहा मुदुमलाई नेशनल पार्क है तमिलनाडु में, एंड वायानाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, इज अ पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फेयर रिजर्व। ये जो सारे पार्ट हैं इसको मिला के ये सारे किसके अंडर में आते हैं, नीलगिरी बायो रिजर्व। तो आप पढ़ेंगे अगर नीलगिरी बायो रिजर्व के बारे में, तो आपको सब चीज़ों के, चार चीज़ों के बारे में जानकारी मिल जाएगी, और जैसे कि आपको आंसर्स आंसर्स फाइंड करने में यूपीएससी में काफ़ी मदद मिलती है, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन बहुत आते हैं, चाहे यूपीएससी हो गया, चाहे पीसीएस हो गया, उसमें वन वर्ड में बहुत क्वेश्चन आते हैं इनके ऊपर कि ये कहाँ पर है, कहाँ पर स्थित है, एरिया पूछ लेते हैं, लोकेशन पूछ लेते हैं। तो इनके बारे में आप ज़रूर पढ़िएगा, ज़रूर पढ़िएगा, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में ज़रूर पढ़िएगा। मेकिंग इट द लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया, सबसे बड़ा प्रोटेक्टेड एरिया होता है ये, है कहाँ पर, सदर्न इंडिया में। तो अब इस बात को याद रखना है आपको, ठीक है, बंदीपुर नेशनल पार्क। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है वायानंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देखिए हमने पढ़ा था उसमें, इधर भी है, हम यहाँ डायग्राम में बना हुआ है, इधर देखिए वायानाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इधर, ठीक है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। वायानाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वायानाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दो होम टू मोर देन हाफ द नंबर ऑफ टाइगर्स प्रेजेंट इन केरला, मे नॉट बी नोटिफाइड एज अ टाइगर रिजर्व एज द प्रपोजल लैक्स पब्लिक सपोर्ट। देखिए क्या है ना कि सबसे ज़्यादा टाइगर वहाँ पर हैं केरला में, केरल में ये जगह है वायानाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पे टाइगर्स का रिजर्व, टाइगर्स बहुत सारे हैं यहाँ पे, टाइगर हैं प्रेजेंट, बट उसको टाइगर रिजर्व नहीं बनाया गया है। उसका कारण क्या है, पब्लिक सपोर्ट की वजह से, कि पब्लिक सपोर्ट की वजह से वो टाइगर रिजर्व उसे घोषित नहीं करा जा रहा है अभी, ठीक है। तो इसके बारे में देखते हैं, इसके बारे में जानते रहते हैं थोड़ा बहुत। लोकेशन कहाँ है, केरला में पाया जाता है, देखिए केरला में है, ये इधर मैप में दिखाता हूँ आपको, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ, ये पूरा केरल वाला एरिया है, ये पूरा पूरा केरल वाला एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पाया जाता है, इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन केरल, सबसे बड़ा सेकेंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है केरल, केरल में। द स्टेटस ऑफ टाइगर इन इंडिया रिपोर्ट रिलीज लास्ट ईयर हैड एस्टेब्लिश्ड हैड एस्टिमेटेड द टाइगर पॉपुलेशन ऑफ वायानाड एज बिटवीन 75 और 80 इंडिविजुअल। पिछले साल जो रिपोर्ट बनाई गई थी, रिलीज करी गई थी, स्टेटस ऑफ टाइगर्स इन इंडिया, एक रिपोर्ट का नाम है ये स्टेटस ऑफ टाइगर इन इंडिया, तो उसमें पता लगाया गया था कि वायानाड में जो टाइगर्स हैं वो 75 से 80 के बीच में है, ठीक है, काफ़ी अमाउंट है, ये काफ़ी अच्छा अमाउंट है। द सेंचुरी इज नाउ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ये जो सेंचुरी है वायानाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, टाइगर नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का ही पार्ट है। तो आपको याद रखना है, आपको नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ेंगे आपको सब समझ में आएगा। इट इज़ बाउंडेड बाय प्रोटेक्टेड एरियाज, इसे कवर कर रखा है कैसे, प्रोटेक्टेड एरियाज के फॉर्म में। प्रोटेक्टेड एरियाज का मतलब ये होता है कि उस एरिया में ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो सकती, चहलकदमी नहीं हो सकती, लोग ज़्यादा वहाँ नहीं जा सकते, बस फार्मर्स वगैरह हो गए, वहाँ के लोकल लोग्स हो गए, ट्राइबल्स हो गए, वही जा सकते हैं, बाकी सब लोग नहीं जा सकते, तो इसलिए इसको प्रोटेक्टेड एरिया का नाम दिया गया। इट इज़ बाउंडेड बाय प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क ऑफ नागरहोल एंड बंदीपुर ऑफ कर्नाटका, जो नागरहोल है, नागरहोल हो गया या बंदीपुर हो गया कर्नाटका का, उससे ही कवर है, किस तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ। देखिए हमने पीछे पिछले डायग्राम में आप देखेंगे, देखिए
नागर होल है नॉर्थ ईस्ट की तरफ और बंदेपुर है, तो इससे ढका हुआ है, इससे घिरा हुआ है, ओके। एंड ऑन द साउथ ईस्ट ऑफ मुदुमलाई ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु का जो मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेशनल रिजर्व्स है, वो साउथ ईस्ट से घिरा, यहाँ पर घिरा हुआ है। तो ये पूरा जो बीच का एरिया है वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो इन तीनों से घिरा हुआ है। देखिए यहाँ पर ये मधुमलाई नेशनल पार्क, यहाँ से है ये बंदीपुर है, ये टाइगर हो रहा है, इनके बीच में ये घिरा हुआ है, ये वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं इस बात को, तो वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में आप जानकारी आपने ले ली है, थोड़ा बहुत और पढ़ लीजिएगा। काफ़ी क्वेश्चन इनमें से बनते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ों से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं जो दिमाग ख़राब करते हैं एग्जाम टाइम पर, बच्चे उसका आंसर नहीं निकाल पाते, ठीक है। तो आप इसको ढंग से पढ़ लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। पाकी टाइगर रिजर्व के बारे में बात करेंगे, जो कहाँ पर स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू बिल्ड अ 692.7 किलोमीटर हाईवे, जो वहाँ की गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, वो एक हाईवे बनाना चाहती है, कितना कितना कितने किलोमीटर का, 692.7 किलोमीटर का, थ्रू द पाकी टाइगर रिजर्व इन ईस्ट केमांग डिस्ट्रिक्ट। कहाँ पर, जो ईस्ट केमांग डिस्ट्रिक्ट में पाकी टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है, ईस्ट केमांग डिस्ट्रिक्ट, तो वहाँ पर हाईवे बनाने की बात हो रही है, चर्चा हो रही है, ठीक है। नेम्ड द ईस्ट वेस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जो हाईवे का नाम दिया गया है वो क्या है, किस प्रोजेक्ट के अंडर है, ईस्ट वेस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। द हाईवे एम टू कनेक्ट भैरवकुंड, इसका काम क्या है, किसको कनेक्ट करेगा, ये भैरवकुंड इन वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट, जो वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट है, कामेंग डिस्ट्रिक्ट जो पाकी टाइगर रिजर्व है उसका जो वेस्ट एरिया है, तो वहाँ पे भैरवकुंड है, वहाँ का रास्ता है, भैरवकुंड एरिया है, तो उससे कनेक्ट करेगा। एंड मनमाओ इन चांगलांग डिस्ट्रिक्ट, तो जो चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में एक एरिया है मामलाओ, मानमाओ, इन दोनों को कनेक्ट करेगा ये जो हाईवे है, अलोंग अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर विद असम, और अरुणाचल प्रदेश का जो बॉर्डर है उसको भी कनेक्ट करेगा असम के साथ। तो ठीक है, काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है ये, काफ़ी चीज़ों को ये कवर करेगा। की फैक्ट्स क्या है पाकी टाइगर रिजर्व्स के, पाकी टाइगर रिजर्व इज ऑल्सो नोन एज पखुई टाइगर रिजर्व, देखिए दूसरा नाम भी इसका पखुई टाइगर रिजर्व। दिस टाइगर रिजर्व वॉज वॉन इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड, 2016 में इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड इसे मिला था। बायोडाइवर्सिटी का मतलब समझते हैं आपकी, डाइवर्सिटी माने बहुत ज़्यादा प्रजातियाँ अलग अलग, तो बायोडाइवर्सिटी माने लिविंग प्रजातियाँ वहाँ बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके की हैं, तो 2016 में इन्हें मिला गया था। इन द कैटेगरी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज, क्या कैटेगरी थी, कंजर्वेशन ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज, जो स्पीसीज थ्रेटेंड थी, कंडीशन उनकी बहुत ख़राब थी, उन्हें कंजर्व करा था अच्छा खासा। कौन 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 सी स्पीसीज थी, वो हॉर्नबिल की, फॉर इट्स हॉर्नबिल नेस्ट एडॉप्टेशन प्रोग्राम, तो उनका जो प्रोग्राम था उसके अंडर में उन्होंने कंजर्व करा था, किसको, हॉर्नबिल नेस्ट एडॉप्टेशन प्रोग्राम था पूरा, उसमें ही कंजर्वेशन उन्होंने करा था। इट इज़ बाउंडेड बाय भारेली और कामेंग रिवर इन द वेस्ट एंड नॉर्थ, वेस्ट और नॉर्थ में कामेंग रिवर है उससे ये कवर है। एंड बाय पाके रिवर, जो पाके टाइगर रिजर्व है वो पाके रिवर की वजह से ही नाम है उसका, जो ईस्ट से बहती है, ठीक है। इसके नेबर कौन कौन से हो गए, पापम रिजर्व फॉरेस्ट अरुणाचल प्रदेश, असम्स नामेरी नेशनल पार्क, असम का जो नामेरी नेशनल पार्क है वो भी है उसके आसपास, डोईमारा रिजर्व फॉरेस्ट एंड ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सब उसी के आसपास के एरिया हैं। तो एक चीज़ से आपको चार चीज़ें और समझ में आती हैं, उससे आपको लोकेशन पता चल देगी कहाँ पर है। तो आपने अभी ये मैप देख लिया, आपने समझ लिया पाके, ये थोड़े बहुत आपने नाम पढ़े, जैसे ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर स्थित है, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल ही जाएगा कि इसके आसपास है ही है, ठीक है। तो चीज़ें आपको समझ में आती रहती हैं, आपको मैप देखना, मैप वर्क ज़रूर करना चाहिए, मैप से आपको बहुत चीज़ें समझ में आती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एम्परर पेंगुइन, अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, एम्परर पेंगुइन्स के बारे में बात कर रहे हैं। पेंगुइन्स के देखिए ऐसे होते हैं क्यूट से। इट इज़ वन ऑफ द एंटार्क्टिकाज मोस्ट आइकॉनिक स्पीसीज, एंटार्क्टिका एरिया में पाए जाते हैं, मोस्ट आइकॉनिक, बड़ी सुंदर स्पीसीज हैं। इनकी जो लिस्ट है IUCN की रेड लिस्ट में कहाँ रखा गया है इन्हें, नियर थ्रेटेंड, देखिए काफ़ी नियर थ्रेटेंड मतलब के ठीक, मतलब थ्रेट थ्रेट है उनको, थोड़ा बहुत थ्रेट है, काफ़ी सारे बट थ्रेट है। अगर इससे ज़्यादा और कम हो गए तो कहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा उन्हें, वल्नरेबल पे, और कम हो गए तो फिर एंडेंजर्ड, और कम हो गए तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड। देखा आपने, हमने जो डॉल्फिन्स के बारे में पढ़ा था वो इस एरिया में आती हैं, मतलब काफ़ी खतरनाक स्थिति है, अगर यहाँ से भी कम हो गए तो फिर एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, और फिर अगर कम हो गए तो फिर तो ख़त्म। तो आप समझ रहे हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा जानवर खत्म है, ऑर्गेनिज्म खत्म है, और जैसे जैसे पीछे बढ़ता जाएगा इसका मतलब ये है कि उनको कोई टेंशन नहीं है। तो नियर थ्रेटेंड माने ठीक है, बहुत ज़्यादा खतरा नहीं है उनका, बट हाँ रिजर्व करना पड़ेगा, कंजर्वेशन तो करना पड़ेगा भाई, वरना तो मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे।
ठीक है, याद रखना आपको। अब रिसेंट डिमांड क्या थी, एक्सपर्ट्स हैव डिमांडेड दैट द IUCN स्टेटस ऑफ स्पीसीज शुड बी चेंज टू वल्नरेबल फ्रॉम नियर थ्रेटेड। अब देखिए पंगा क्या है, इसकी डिमांड क्या है, एक्सपर्ट्स ने कहा है IUCN रेड लिस्ट से कि इनका जो इनकी जो लिस्ट है कहाँ पर है, नियर थ्रेटेड से इसे कहाँ शिफ्ट कर दिया जाए, वल्नरेबल पर। कारण क्या है, वही कि इनका इनकी अमाउंट कम होते जा रहे हैं, क्वान्टिटी कम होती जा रही है, ख़त्म होते जा रहे हैं थोड़े थोड़े, तो यहाँ से इन्हें कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाए, वल्नरेबल पर। ठीक है, चेंज टू वल्नरेबल फ्रॉम नियर थ्रेटेड। ठीक है, एक्सपर्ट ऑल्सो एडवोकेटेड दैट द एम्परर पेंगुइन शुड बी लिस्टेड बाय द एंटार्क्टिका ट्रीटी। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बात कही गई है कि जो एम्परर पेंगुइन है उन्हें लिस्ट कर दिया जाए, लिस्ट में डाल दिया जाए, किसकी, एंटार्क्टिका ट्रीटी एज ए स्पेशली प्रोटेक्टेड स्पीसीज। तो एंटार्क्टिका ट्रीटी में क्या होता है, स्पेशली प्रोटेक्टेड स्पीसीज है उन पर ध्यान रखा जाता है। तो उन्होंने ये कहा है कि इस पेंगुइन को, एम्परर पेंगुइन को भी इस लिस्ट में डाल दिया जाए। ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब क्या था, स्नो लेपर्ड के बारे में हम बात करते हैं। स्नो लेपर्ड, फर्स्ट नेशनल प्रोटोकॉल टू एन्यूमरेट स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन इन इंडिया लॉन्च्ड। इंडिया में पहला ऐसा नेशनल प्रोटोकॉल है जो स्नो लेपर्ड की पॉपुलेशन के बारे में बात करेगा, उसको ध्यान में रखते हुए काम करेगा। कब ये लॉन्च करा गया था, इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे, जब इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे हुआ था उस दौरान इसे लॉन्च करा गया था इस स्कीम को। ठीक है, की फैक्ट्स क्या हैं, की फैक्ट्स देख लेते हैं। IUCN की रेड लिस्ट में कहाँ पर है, वल्नरेबल में, मतलब कि नियर थ्रेटेंड से कहाँ पर है, वल्नरेबल पर। ओके, इनहैबिट कहाँ पर पाए जाते हैं, इनहैबिट अल्पाइन एंड सब अल्पाइन जोन, जो काफ़ी ऊंचे वाले एरियाज होते हैं ना, एलिवेशन वाले, ऊंचे एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड वाले एरियाज होते हैं, जहाँ पर कैसे कैसे पौधे पेड़ पाए जाते हैं, अल्पाइन और सब अल्पाइन जोन वाले, 3000 फीट और 4500 फीट वाले, सॉरी 3000 से 4500 मीटर वाली ऊंचाई वाले, देख रहे हैं आप, 3000 to 4500 मीटर की ऊंचाई वाले ऐसे एरिया पर पाए जाते हैं स्नो लेपर्ड्स। ठीक है, 9800 to 14800 feet तक ये पाए जाते हैं ऊपर वाले एरिया में, ऊंचे वाले एरियाज में। स्टेट एनिमल ऑफ हिमाचल प्रदेश HP, हिमाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल माना जाता है इसे। एंड द नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का नेशनल हेरिटेज एनिमल इसे माना जाता है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। हैबिटेट एक्सटेंड्स थ्रू 12 countries, देखिए हैबिटेट एक्सटेंड्स थ्रू 12 countries, मतलब 12 countries में पाए जाते हैं, अफगानिस्तान, भूटान, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, ऐसी जगहों पर पाया जाता है ये 12 countries में पाया जाता है। चाइना कंटेन एज मच एज 60% ऑफ ऑल स्नो लेपर्ड हैबिटेट एरिया, सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जा रहे हैं, 60% तक चाइना में पाए जाते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, साइट्स की कन्वेंशन और इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज के अपेंडिक्स फर्स्ट में से रखा गया है, आपको याद रखना है ये बात। ग्लोबल स्नो लेपर्ड फोरम, एक ग्लोबल स्नो लेपर्ड फोरम, स्नो लेपर्ड फोरम बनाया गया था 2013 में, उसमें क्या बात कही गई थी, 12 countries encompassing the snow leopards range, 12 countries हैं, कौन कौन सी 12 countries हैं, अफगानिस्तान, भूटान, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, यहाँ पर इनका ध्यान रखा जाएगा, जो ऊपर कंट्रीज थी वही कंट्रीज हैं। तो इन 12 countries में लेपर्ड्स का, स्नो लेपर्ड्स का ध्यान रखा जाएगा, रेंज का ध्यान रखा जाएगा, जैसे कि उनका उनकी प्रजाति खत्म ना हो जाए, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। इसीलिए एक डिक्लेरेशन बनाया गया था, बिश्केक डिक्लेरेशन टू प्रोटेक्ट द स्पीसीज एंड इट्स एनवायरमेंट। अब आपको ये बात याद रखनी है कि बिश्केक डिक्लेरेशन जो है वो किसके लिए बनाया गया था, स्नो लेपर्ड के लिए, आपको याद रखना है बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए पैंथेरा उनसिया बोला जाता है इसका साइंटिफिक नेम जो है, और कहाँ रखा गया है, फर्स्ट में। देखिए साइट्स के मैंने बताया था ना, साइट्स की फर्स्ट शेड्यूल फर्स्ट में रखा गया है, तो ये शेड्यूल फर्स्ट में यहाँ रखा जाता है, शेड्यूल सेकंड, शेड्यूल थर्ड, तो यहाँ रखा गया है ये। ठीक है, तो आपको याद रखना पड़ेगा ये। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए चैनल को लाइक शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब कौन सा है, हम पेंगोलिन के बारे में बात करते हैं। देखिए ये थोड़ा जानवर है, पेंगोलिन स्केली जानवर है। ठीक है, अब पेंगोलिन कुड बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ द डेडली कोरोना वायरस इन चाइना, चाइना में जो कोरोना वायरस स्प्रेड हुआ था, तो उसका एक कारण माना जाता है ये पेंगोलिन, पेंगोलिन की वजह से, क्योंकि ऐसे स्पीसीज को खाया जाता है वहाँ पे, वही वाइल्ड एनिमल्स को खाया जाता है वहाँ पे, ट्रेड होता है, बिजनेस होता है, तो कोरोना वायरस का रेस्पॉन्सिबल इसको भी माना जाता है। साइंटिस्ट हैव सेड आफ्टर
दे फाउंड द जीनोम सीक्वेंस सेपरेटेड फ्रॉम द एंडेंजर्ड मैमल 99% आइडेंटिकल टू दैट फ्रॉम इन्फेक्टेड पीपल। तो उन्होंने क्या करा, पेंगोलिन का जो जीनोम निकाला गया, मतलब जीनोम जीन्स के बारे में निकाला, जीनोम सीक्वेंस निकाला। जीनोम सीक्वेंस माने कि जेनेटिक जेनेटिक मेथड से जीन्स निकाले जाते हैं डीएनए में से। तो 99% जो पेशेंट इन्फेक्टेड थे कोरोना वायरस से, उनमें इसी का जीन मिल रहा है, मतलब सेम जीन मिल रहा है वहाँ पे। तो आप समझ रहे हैं कि इसका कारण हो सकता है ये, ठीक है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। इट इज़ द ओनली स्केली मैमल ऑन द प्लैनेट। प्लैनेट में पहले ही, मतलब सिर्फ यही स्केली मैमल है। स्केली मैमल मतलब कांटेदार मैमल, मैमल समझते हैं आप जो बच्चे पैदा करते हैं। अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज साइट्स में, इट इज़ ऑल्सो द मोस्ट इलीगली ट्रेडेड वर्टेब्रेट। साइट्स के अनुसार सबसे ज़्यादा इलीगली ट्रेडेड वर्टेब्रेट, सबसे ज़्यादा इलीगल तरीके से इसे बेचा और खरीदा जाता है, ठीक है। प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है इसका, चाइनीज पेंगोलिन हैज़ बीन लिस्टेड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। देखिए IUCN रेड लिस्ट में चाइनीज पेंगोलिन अलग होते हैं और इंडियन पेंगोलिन अलग होते हैं। तो जो चाइनीज पेंगोलिन है उसे किस में रखा गया, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। इंडियन पेंगोलिन जो हैज़ बीन लिस्टेड एज एंडेंजर्ड। तो जो इंडियन पेंगोलिन है उसे कहाँ रखा गया, एंडेंजर्ड स्थिति में, एंडेंजर्ड लिस्ट में। तो समझ रहे हैं आप, चाइनीज जो है वो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड और जो इंडियन है वो है एंडेंजर्ड, इसको याद रखना है आपको। शेड्यूल फर्स्ट में रखा गया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल फर्स्ट में रखा गया है। थोड़ा खतरनाक शेड्यूल फर्स्ट में, इसका मतलब ज़्यादा प्रोटेक्शन की नहीं ज़रूरत है क्योंकि इनका मार्केट बहुत है, इलीगल तरीके से इन्हें बेचा खरीदा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए एंडेंजर्ड है ये, समझ रहे हैं। इसके बाद अगर और कम होगा तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड, फिर आगे बढ़ते गए तो फिर एक्सटिंक्ट का लेवल आ जाता है, तो इस बात पर आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात हो रही है 13th की, जो है ऑलिव रिडल टर्टल्स। तो ऑलिव रिडल टर्टल्स जो है ओडिशा में क्या करते हैं, ये जन्म लेते हैं, बहुत सारे आ जाते हैं समंदर के किनारे पर और वहाँ पे हैचिंग होती है, मतलब जो मादाएं होती हैं वो बच्चे पैदा करती हैं, वहाँ पे अंडे देती हैं बहुत सारी, एक साथ देने आती हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जो नेस्टिंग का तरीका है ये, इसको हम बोलते हैं एरिबेडाज। क्या बोलते हैं, एरिबेडाज, आपको याद रखना है ये वर्ड को, ठीक है, ज़रूर याद रखना है। चलिए पढ़ते हैं क्या न्यूज़ है। प्रिपरेशन आर ऑलमोस्ट डन एट द ऋषिकुल्या रूकरी, ये जगह का नाम है ओडिशा में, ऑन द ओडिशा कोस्ट, टू वेलकम एंड प्रोटेक्ट ऑलिव रिडल टर्टल्स ड्यूरिंग मास नेस्टिंग। जो मास नेस्टिंग होती है, एक साथ बहुत सारे टर्टल्स आते हैं किनारे पर, तो सारे प्रोटेक्शन एरिया कर दिया गया है वहाँ पे, सब सारा इंतजाम कर दिया गया है जिससे कि वो आराम से आए, अंडे वंडे दें, आराम से प्रोटेक्शन रहे उनका, मरे ना वो। द ऑलिव रिडल्स आर द सेकेंड स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल सी टर्टल्स फाउंड इन द वर्ल्ड। सेकेंड स्मॉलेस्ट टर्टल्स हैं ये, सी टर्टल्स हैं। दे इनहेबिट वार्म वाटर्स ऑफ द पैसिफिक, एटलांटिक एंड इंडियन ओशन। कहाँ पाए जाते हैं, वार्म वाटर्स में पाए जाते हैं, पैसिफिक के, एटलांटिक एंड इंडियन ओशन के, ठीक है, आप याद रखनी है बात। इट इज़ वेल नोन फॉर इट्स एरिबेडाज। एरिबेडाज मैंने बताया था, जो एक साथ आते हैं किनारे पर और एक साथ बच्चे एनुअल मास नेस्टिंग करते हैं, बहुत सारे एक साथ बच्चे पैदा करते हैं, ठीक है, डिलीवरी करते हैं एक तरीके से कह सकते हैं। IUCN स्टेटस क्या है इसका, वल्नरेबल है, आपको याद रखनी है इस बात को। साइट्स के अपेंडिक्स फर्स्ट में आता है, ये बात याद रखनी है। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के, अब प्रोटेक्शन अंडर साइट्स अपेंडिक्स फर्स्ट है इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। हाँ, शेड्यूल फर्स्ट में रखा गया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के, यहाँ मिस हो गया है वो लिखना, बट हाँ शेड्यूल फर्स्ट में रखा गया है। अब इसको बचाने के लिए ऑपरेशन कचप्पा रखा गया है, कटप्पा नहीं है, कचप्पा है, याद रखिएगा। लॉन्च बाय द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सोसाइटी ऑफ इंडिया इन कोलेबोरेशन विद द, अब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सोसाइटी है भारत की, किसके साथ मिलकर उन्होंने लॉन्च कराई है, उड़ीसा स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी ऑफ उड़ीसा एंड अदर लोकल NGO। बहुत सारे लोकल NGOs हो गए या फिर वाइल्ड लाइफ सोसाइटीज़ हो गई उड़ीसा के अंदर, उसके साथ मिलकर ये ऑपरेशन स्टार्ट करा गया जिसका नाम है कचप्पा, किसके लिए, ऑलिव रिडल टर्टल्स के लिए, आपको याद रखनी है बात, याद रहेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 14th क्या है, पश्मीना प्रोडक्ट्स रिसीव BIS सर्टिफिकेशन। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का स्टेटस होता है, बहुत बहुत कम चीज़ों को, बहुत कम प्रोडक्ट्स को मिला जाता है, मिलता है। तो पश्मीना वूल्स होती हैं, पश्मीना गोट्स होती हैं, उनसे वूल निकलती हैं, उसको नाम दिया गया है ये पश्मीना। पढ़ते हैं इसके बारे में, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड हैज़ पब्लिश्ड एन इंडियन स्टैंडर्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन, मार्केटिंग एंड लेबलिंग ऑफ पश्मीना प्रोडक्ट टू सर्टिफाई इट्स प्योरिटी। BIS ने पब्लिश करा है, सर्टिफिकेशन करा है, क्या करा है,
कि वो इंडियन स्टैंडर्ड बनाया जाएगा, एक आइडेंटिफाई करेंगे वो प्रोडक्ट को, उसकी मार्केटिंग करेंगे, उसकी लेबलिंग करेंगे पश्मीना प्रोडक्ट्स की टू सर्टिफाई इट्स प्योरिटी, जिससे कि उसकी प्योरिटी सर्टिफाइड रहे, उसको एक सर्टिफिकेशन मिल जाए कि हाँ भाई ये सर्टिफिकेट प्रोडक्ट है, ये इसकी कोई कॉपी नहीं है, ये ख़राब नहीं है, ओरिजिनल है। सिग्निफिकेशन द नीड फॉर सर्टिफिकेशन, फ़ायदा क्या है सर्टिफिकेशन का देख लेते हैं। द सर्टिफिकेशन विल हेल्प कर्ब द एडल्टरेशन ऑफ पश्मीना, जो पश्मीना वूल है उसका एडल्टरेशन होता है, उसमें मिक्सिंग, एडल्टरेशन माने किसी भी चीज़ में कोई मिक्सिंग कर दो, कोई ख़राब चीज़ मिक्स कर दो, जैसे कि अच्छी चीज़ में कुछ उससे कम क्वालिटी वाली, लो क्वालिटी वाली चीज़ को मिक्स कर दिया जाए, तो हम उसका एडल्टरेशन कर रहे हैं, जैसे दाल चावल में कर देते हैं या बहुत सारी चीज़ों में कर देते हैं, तो वो भी रोकी जा सकती है। प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ लोकल आर्टिसंस एंड नोमाड्स, जो वहाँ के आर्टिसंस हैं जो ये चीज़ें बनाते हैं, पश्मीना वूल निकालते हैं, या नोमाड्स हो गए, तो उनके प्रोटेक्शन भी रहेगा, उनका इंटरेस्ट का भी प्रोटेक्शन रहेगा। अश्योर द प्योरिटी ऑफ पश्मीना फॉर कस्टमर्स, कस्टमर्स के लिए भी उनके हाथ में अगर पश्मीना वूल आ रही है, उससे प्रोडक्ट आ रहे हैं, तो वो जेन्युइन होने चाहिए, ठीक है, जिससे कि मार्केट ख़राब ना हो। डिस्करेज काउंटर फीड और सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, और वो क्या डिस्करेज करते हैं, उससे कम खराब वाले प्रोडक्ट्स वो ना बेचें, मिसलेबल ना करें, एंड सोल्ड एज जेन्युइन पश्मीना इन द मार्केट, और सिर्फ जेन्युइन पश्मीना है उसी को ही सोल्ड करा जाए। मोटिवेट द यंगर जनरेशन टू कंटिन्यू इन दिस प्रोफेशन, ये जो प्रोफेशन जो सालों से चला जा रहा है बाप दादाओं का, तो जो नई यंगर जनरेशन जो आ रहा है वो भी इसे फॉलो करें। वो फॉलो तभी करेंगे जब एक क्वालिटी बनेगी, जब एक स्टैंडर्ड बनेगा पूरा वर्ल्ड वाइड। वही तो चीज़ है कि एक एक प्रोडक्ट आपका है, आपके हाथ में एक प्रोडक्ट है, तो उस प्रोडक्ट को नाम दिया जाए, ऐसा नाम दिया जाए जो वर्ल्ड वाइड फेमस हो, तभी उसका प्रॉफिट है। जैसे कि जीआई टैग मिल रहे हैं चीज़ों को, प्रोडक्ट्स को जीआई टैग्स मिलते हैं, वो क्यों मिल रहे हैं, इसीलिए मिल रहे हैं कि एक स्टैंडर्ड मेंटेन रहे हैं उनका, तो इसीलिए यही इसी तरीके से BIS सर्टिफिकेशन मिलता है। तो आप याद रखिएगा BIS सर्टिफिकेशन के बारे में। देखिए यह है पाश्मीना गोट, ठीक है। अबाउट चांग तांगी और पाश्मीना गोट, देखिए जो चांग तांगी नाम है इसका और पाश्मीना गोट दोनों सेम नाम है, इसके बारे में जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट इज़ अ स्पेशल ब्रीड ऑफ गोट इंडिजीनियस टू हाई एल्टीट्यूड रीजन, ये स्पेशल तरीके की गोट है जो कहाँ सिर्फ और सिर्फ इंडिजीनियस माने कि सिर्फ उसी पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है, कहाँ के, लद्दाख के ऊंचे ऊंचे वाले इलाकों में, लद्दाख जम्मू कश्मीर के ऊंचे वाले इलाकों में। दे आर रेस फॉर अल्ट्रा फाइन कश्मीरा वूल नोन एज पाश्मीना वंस वुमेन, देखिए जो वूल निकाली जाती है उसको हम बोलते हैं कश्मीरा वूल, उसको हम जब बुन लेते हैं तो क्या बन जाती है, पाश्मीना वूल, समझ रहे हैं आप। काश्मीरा वूल जब थोड़ा और बन जाता है तो पाश्मीना प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। दीज गोट्स आर जनरली डोमेस्टिकेटेड एंड रियर्ड बाय नोमाडिक कम्युनिटीज कॉल्ड चांगपा, जो वहाँ पे कम्युनिटीज रहती हैं, नोमाडिक कम्युनिटीज हैं, जिसका जो कम्युनिटी का नाम क्या है, चांगपा, याद रखना है आपको ये बात, लद्दाख के ग्रेटर लद्दाख में जो पाए जाते हैं, ठीक है, वही उन्हें वही सब वही बस पालते हैं, उन्हें जनरली डोमेस्टिकेटेड वही बस पालते हैं इन गोट्स को, पाश्मीना गोट्स को, ठीक है। छांगतांगी गोट्स, दूसरा नाम है पाश्मीना गोट का, हैज़ रिवाइटलाइज द इकोनॉमी ऑफ छांगतांग लेह लद्दाख रीजन, जो छांगतांग एरिया है, लेह लद्दाख एरिया है, उसका इकोनॉमी को ये बढ़ाता है, काफ़ी बहुत मान्यता है इसकी, बहुत लोग आते हैं वहाँ पर, जो टूरिस्ट लोग आते हैं चीज़ें ही खरीदते हैं, अच्छे रेट में बिकती हैं, ठीक है। अब BIS सर्टिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इज अ नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया, भारत की नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है, वर्किंग अंडर द एजीज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, किसके अंडर में काम करती है, किस मिनिस्ट्री के अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, याद रखना है बिल्कुल। इट इज एस्टेब्लिश्ड बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट, जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट था 1986 का, उस दौरान ये बनाई गई थी। द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट हैविंग एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द BIS इज द एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट, जो मिनिस्टर होगा, जो इंचार्ज होगा इस डिपार्टमेंट का, वही इसका एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट माना जाएगा। कंपोजिशन क्या है, एज अ कॉर्पोरेट बॉडी 25 मेंबर्स ड्रॉन फ्रॉम सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, 25 मेंबर्स होंगे, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के हो सकते हैं, इंडस्ट्रीज के हो सकते हैं लोग, साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के लोग हो सकते हैं, और फिर कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन के लोग भी हो सकते हैं। इट इज ऑल्सो वर्क एज WTO TBT, देखो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का TBT का फॉर्म, TBT का भी काम करते हैं। TBT का मतलब टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड, टेक्निकल बैरियर्स मतलब ये ऐसे काम करेंगे कि ट्रेड में कोई बिजनेस हो रहा है तो उसमें बैरियर लगाएंगे कि टेक्निकल बैरियर, अगर कोई कमी आ रही है किसी प्रोडक्ट्स में तो उस पर रोक लगा देंगे कि भाई ये इस स्टैंडर्ड पर है नहीं, तो इसका रोक लगा दी जाए, इसे ना मार्केट करी जाए,
तो उसका भी ये ध्यान रखते हैं, BIS, तो आपको याद रखना है ये बात, याद रहेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में याद रखना, चांगपा नोमैडिक कम्युनिटी के बारे में, छांग थांगी पाश्मीना गोट एक ही बात है, सब याद रखना है आपको। ठीक है, देखिए ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब 4-5 क्वेश्चन तो यहीं से याद आते हैं आने को। तो देखिए, हाँ सॉरी आगे बढ़ गया, सॉरी क्या हो रहा है ये। सॉरी, देखिए जो शीप है, जो शीप होती है नॉर्मल शीप, उसकी जो वूल होती है उसे हम बोलते हैं मरीनो वूल। याद रखना है आपको, ऐसे क्वेश्चन हमने जरूर देखे होंगे वन वर्ड में, PCS लेवल पर आते हैं। जो गोट है, जो मैं बता रहा था, उनकी जो उसमें से जो वूल निकलती है कौन सी होती है, मोहेर, काश्मीरा और पाश्मीना, तीनों हैं, मैंने बताया था। अल्पाका, ये देख रहे हैं ऊँट, अल्पाका बोलते हैं इसे, तो इससे जो निकलती है उसे हम बोलते हैं हुआ काया। क्या बोलते हैं, हुआ काया सूरी, याद रखना है। याक से निकलती है याक वूल, और रैबिट से निकलती है अंगोरा, अंगोरा याद रखना है आपको, अंगोरा, मरीनो और ये तीनों, मरीनो और ये तीनों, ठीक है, राइम बन रहा है। तो इनके बारे में आप देख लीजिएगा डायग्राम से जरूर, और नाम याद रखिएगा कौन सा जानवर कौन सी वूल को निकालता है। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तमिल यूमान, तमिल यूमान का एक बटरफ्लाई का नाम है, देखिए नाम, ये देखिए बटरफ्लाई है सुंदर सी, इसके बारे में बात होगी। तमिल यूमान सिरोकोरिया थाइस, इसका नाम है साइंटिफिक नेम, बटरफ्लाई स्पीसीज एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट, जो वेस्टर्न घाट्स में पाई जाती हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द स्टेट बटरफ्लाई ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु का स्टेट बटरफ्लाई को उसको डिक्लेयर कर दिया गया। फॉर द फर्स्ट टाइम तमिलनाडु हैज़ डिक्लेयर्ड इस स्टेट बटरफ्लाई, पहला टाइम ऐसा जी तमिलनाडु ने अपना स्टेट बटरफ्लाई को डिक्लेयर करा गया, एंड ओनली फिफ्थ इन द कंट्री टू डू सो, और हमारी कंट्री में 5 ही ऐसे देश स्टेट हैं जिन्होंने मतलब बर्ड्स इनको बटरफ्लाइज को ये नाम दिया गया है स्टेट बटरफ्लाई का। ठीक है, महाराष्ट्र वॉज द फर्स्ट टू डिक्लेयर ब्लू मॉर्मोन एज इट्स स्टेट बटरफ्लाई। ठीक है, जो महाराष्ट्र है उसने उसकी जो बटरफ्लाई क्या नाम है, ब्लू मॉर्मोन, उसे स्टेट बटरफ्लाई का नाम दिया है। उसके बाद उत्तराखंड है तो कॉमन पिकॉक को दिया है, कर्नाटका में सदर्न बर्ड विंग्स हो गए, और केरल में मालाबार बैंडेड पिकॉक्स हो गए, तो ये अलग अलग हैं, उन्होंने नाम दिया है, उन्हें मतलब उन्हें एक स्टैंडर्ड दिया है। ठीक है, उसके बारे में आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये डायग्राम में बना है, इसके बारे में आप थोड़ा बहुत देख लीजिएगा क्या है वो सब, यही चीज़ है कि हैबिटेट कैसा है, वेस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। साइज़ कितना रहता है इसका, 60 से 75 mm इसका साइज़ रहता है। लार्वा प्रोड्यूस करते हैं ये किसके चेन में, देखिए 8 से 10 10 लार्वा एक साथ प्रोड्यूस होते हैं इनके। ठीक है, तो आप ये बात थोड़ा बहुत देख लीजिएगा इसमें से। ओके, आगे बढ़ते हैं। हंगुल, हंगुल देखिए हिरन ऐसा होता है इस तरीके का। मासिव डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन ऑफ कश्मीर आइकॉनिक वाइल्ड लाइफ स्पीसीज द हंगुल, जो हंगुल है जो कश्मीर में पाया जाता है उनमें काफ़ी डिक्लाइन हो गया है, मतलब शिकार हो रहा है काफ़ी उनका। इट इज़ द स्टेट एनिमल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, याद रखना है स्टेट एनिमल है जम्मू कश्मीर का। किस एरिया पे पाया जाता है, ये डाचीगम नेशनल पार्क, सिर्फ डाचीगम नेशनल पार्क में ही रेस्ट्रिक्टेड है, वहाँ बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। सॉरी, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल वर्स्ट में पाए जाते हैं, याद रखना है ये बात को। एंड द जम्मू एंड कश्मीर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जम्मू एंड कश्मीर का भी अलग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है जो 1978 में बना था, उसके भी शेड्यूल फर्स्ट में रखा गया है इसे। द हंगुल वॉज वंस वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द माउंटेन्स ऑफ कश्मीर एंड पार्ट ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट, पहले कश्मीर की काफ़ी जगहों पर पाया जाता था, चंबा डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता था, और हिमाचल प्रदेश के नेबर एरियाज में भी पाया जाता था। ठीक है, बट अब ये कम हो गए। IUCN के रेड लिस्ट में क्या है इसका, इसकी इसकी स्टेट क्रिटिकली एंडेंजर्ड है ये, एंड इज सिमिलरली लिस्टेड अंडर द स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम ऑफ द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। देखिए वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का नाम आया, ये भी याद रखना, उसकी भी लिस्ट में है ये। एंड द एनवायरमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ द MoEFCC, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, उसके अंडर में भी इसे रखा गया है। तो जब ज़्यादातर मिनिस्ट्रीज के अंडर में मतलब मिनिस्ट्री इसको कवर कर रही है, इसका मतलब काफ़ी इनकी ज़रूरत है, काफ़ी इन्हें प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, तो आप याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, याद रहेगा, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये है, हाँ अरे यार, देखिए डाचीगम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पर यहाँ पाए जाते हैं काफ़ी एरिया पर, इधर ही पाए जाते हैं, पहले हिमाचल में भी पाए जाते थे, काफ़ी एरियाज में पाए जाते थे, बट अब खत्म होकर एक ही पर्टिकुलर एरिया में बचे हैं ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए हम आखिरी पर आ गए हैं, आप चैनल को ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए 17 क्या है, कपाफाइकस एल्वेरेजी, कपाफाइकस एल्वेरेजी एक तरीके का एल्गे है,
इट इज़ एन इन्वेसिव विच स्मदर्स एंड किल कोरल रीफ्स। देखिए एक तरीके के एल्गे हैं जो इन्वेसिव है, इन्वेसिव माने अटैक करती हैं, मतलब चिपक जाती हैं पर्टिकुलर किसी ऑर्गेनिज्म पर, उसे ख़त्म करने की कोशिश करती हैं। जो किसको ख़त्म कर रही है, कोरल रीफ्स को ख़त्म कर रही हैं, ठीक है, उस पर्टिकुलर एरिया में। कंसर्न क्या है इसका, इट हैज़ स्प्रेड इट्स विंग्स टू कोरल रीफ्स एरिया इज वलाई आइलैंड। देखिए वलाई आइलैंड जो है कहाँ पर, गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार बहुत इंपॉर्टेंट है कोरल रीफ्स के लिए। देखिए कोरल रीफ्स पे एक पूरा लेक्चर बन सकता है, इसलिए मैंने यहाँ ज़्यादा डिटेल दिया नहीं है। कोरल रीफ्स पे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो पूरा एक लेक्चर बना के दूंगा मैं आपको अच्छा सा, ठीक है। तो कोरल रीफ एरियाज इन वलाई आइलैंड इन द गल्फ ऑफ मन्नार एंड सेट टू इन्वेड न्यू कोरल कॉलोनीज। देखिए वलाई आइलैंड में तो उन्होंने ये पूरी जगह फैल गई है, कोरल रीफ्स को अटैक कर रही हैं गल्फ ऑफ मन्नार में, बाकी और कॉलोनीज में भी ये फैलती जा रही हैं। इन द मराइन नेशनल पार्क, मराइन नेशनल पार्क है वहाँ पर भी ये फैलते जा रहे हैं ये जो एल्गे हैं। देखिए डायग्राम देखिए, पेड़ पौधे से पानी में रहता है, एल्गे है ये। द रेड एल्गे इन्वेडेड वलाई आइलैंड, वलाई आइलैंड में भी उन्होंने इन्वेड कर लिया, अटैक कर दिया है, अलॉन्ग किलाकराई कोस्ट फॉलोइंग इट्स कल्टिवेशन इन द साउथ साउथ पाल्क बे। जो साउथ पाल्क बे है और किलाकराई कोस्ट है तो वहाँ पर भी इन्होंने इन्वेड कर दिया है। देखिए आप डायग्राम में देखेंगे ये गल्फ ऑफ मन्नार, ये देखिए नीचे वाला एरिया है भारत का, नीचे वाला एरिया है गल्फ ऑफ मन्नार, ये रहा यहाँ पे, ये रहा पाल्क बे, ये है रामेश्वरम, एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब यहाँ रहते थे। तो ये पाल्क बे है, गल्फ ऑफ मन्नार है, यहाँ बहुत पाए जाते हैं इसी एरिया में, इसमें इधर एरिया में वो कोरल रीफ्स बहुत पाई जाती है, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं, रेगुलेशन क्या है। अ 2005 गवर्नमेंट ऑर्डर हैड रेस्ट्रिक्टेड कल्टीवेशन ऑफ द एग्जॉटिक सीवीड। ये जो सीवीड है इसको सरकार ने रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था कि इसको उगाया ना जाए। ओनली टू द सी वाटर नॉर्थ ऑफ द पार्क बे पे बंद कर दिया गया था एंड साउथ ऑफ थुतुकदी कोस्ट। जो थुतुकदी कोस्ट है वहाँ पर भी, साउथ के थुतुकदी कोस्ट के साउथ में वहाँ पर भी इसे ख़त्म कर दिया, मतलब रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था, सरकार ने कहा था कि इसे ग्रो ना करा जाए, ठीक है। तब ये थोड़ा बहुत है, थोड़ा नाम याद रखिएगा क्या बात है, किस चीज़ से रिलेटेड है ये, कोरल रीफ से रिलेटेड है थोड़ा बहुत, ठीक है, आपको ये नाम पता होना चाहिए। देखिए 17 टॉपिक्स थे इसके अंदर, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन तो आपके फंसेंगे, गारंटीड फंसेंगे, और आप ज़रूर कहेंगे कि सर फंसे थे, ठीक है। तो जो भी आपको और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेनी है किसी भी टॉपिक के बारे में तो आप मुझे कमेंट करें, इस वीडियो लेक्चर को ज़रूर शेयर करें, ज़रूर। आप सामने वाला मेहनत कर रहा है तो मैं यही कोशिश करता हूँ कि मेहनत करूँ तो उसका फल मिले, ये शेयर हो, चैनल थोड़ा प्रमोट हो और ज़्यादा, तो आप ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।